नमस्कार, मैं हूं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में लगातार विकराल होती जा रही है जाम की समस्या, राहगीरों को हो रही है परेशानी। 51 बटुकों का हुआ आज उपनयन संस्कार, गायत्री मंत्र के साथ दी गई दीक्षा। निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ, ड्यूटी के दौरान गायब मिले कई कर्मी। और पुलिस सप्ताह हुआ संपन्न, बेतिया में पत्रकार एकादश और पुलिस एकादश के बीच हुआ क्रिकेट मैच का आयोजन, पुलिस एकादश ने मारी बाजी। मोतिहारी शहर में जाम लगने की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। अगर आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका काम समय से हो जाएगा। जाम में आपको कितनी देर रहना पड़ेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आम व खास सभी को जाम से परेशान होना पड़ रहा है। यह एक दिन की समस्या नहीं है, तकरीबन प्रतिदिन मोतिहारी शहर में लगने वाले महाजाम से शहरवासियों को रूबरू होना पड़ता है। छतौनी एनएच, गांधी चौक व मधुबन छावनी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस भी इस जाम को हटाने में सक्षम नहीं हो पा रही है और उन्हें लोगों के कुप भाजन का भी शिकार होना पड़ रहा है। जाम लगने का मुख्य कारण सड़कों तक लगाए गए दुकान, बाइक व गाड़ियां हैं। इसके अलावा टेम्पो चालक के द्वारा टेम्पो के सवारी को कहीं भी रोक देना जाम का मुख्य कारण है। शहर के अधिकांश सड़कों के दोनों किनारों को दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों के साथ भयंकर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। शहर में नौसिखुआ बाइक, टेम्पो व फोर व्हीलर चलाने वालों की अच्छी खासी संख्या है। इन लोगों को ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी नहीं है, इसके कारण ये लोग अपने ढंग से गाड़ी चलाते हैं, जहां इनकी इच्छा हुई वहीं गाड़ी रोक दिया करते हैं, जिसके कारण अक्सर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जाम के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस व बुजुर्गों को होती है, उन्हें घंटों जाम में फंसना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस के जाम में फंसने से मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के रधिया में आज 51 बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। ओम हरिहर सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज 51 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ, जिसमें 5 जिले से लोग आए थे। आचार्य पंडित राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 5 जिले से आए बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया है। इस दौरान बटुकों को मंत्रोच्चार के साथ योगोपवित धारण करवाते हुए उनकी उपयोगिता व नियमों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि जनेऊ धारण करना व इसके नियमों पर दृढ़तापूर्वक चलना प्रत्येक ब्राह्मण का नैतिक कर्तव्य है। उपनयन संस्कार के दौरान बटुकों को तेल हल्दी की रस्म के साथ ही मंडप पूजन की विधि की गई। आचार्य ने उपनयन संस्कार के बारे में बताते हुए ब्रह्मचर्य का महत्व बताया और गायत्री मंत्र के साथ ही दीक्षा दी। श्री हरिहर सेवा ट्रस्ट के द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार जो 51 बटुकों का श्री हरिहर संगीत वेद आश्रम के तत्वाधान में रढ़िया हनुमत मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इसमें 5-7 जिले के लोग इस यज्ञ में जुड़े और इस यज्ञ से लाभ ले रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी पहल सार्थक हुई और मैं आप समस्त दर्शक वृंदों को आश्वस्त करूंगा कि मेरा जीवन समाज के लिए ही है और इस सेवा ट्रस्ट के द्वारा सदैव इस ढंग के कार्य, सामाजिक उत्थान के लिए जितने भी कार्य बताए गए हैं, धार्मिक कार्य निरंतर होते रहेंगे। अगली खबर शिवहर जिले से है। यहां एसडीओ आरिफ अहसन ने तरियानी प्रखंड के अंचल कार्यालय और ICDS कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई कर्मी अपने ड्यूटी से गायब मिले। इस दौरान उन्होंने सभी योजनाओं की समीक्षा की और समय पर कार्यालय नहीं आने वालों पर कार्रवाई की जाने की जानकारी एसडीओ आरिफ अहसन ने दी है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया के मनसा टोला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक कला का प्रदर्शन किया तथा तरह तरह के प्रदर्शनी को दर्शाया। इसमें स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का भरपूर सहयोग रहा और बच्चों ने अपनी कला को प्रस्तुत किया। 28 फरवरी 1930 को उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में हम साइंस डे को हिंदुस्तान में मनाते हैं। ये 1986 से लागू है और इस दिन हम साइंस के तक सेलिब्रेशन करते हैं और साथ ही साथ थीम के अनुसार भी काम करते हैं। इस साल का थीम था वुमेन इन साइंस, यानी औरतों का वैज्ञानिक के रूप में
कितना महत्वपूर्ण योगदान है भारत के विकास में, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं आज। विज्ञान के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि कल का विश्व जो है भारत के वैज्ञानिकों से भरा हुआ हो, विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रातः काल के प्रार्थना सभा से ही विज्ञान केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन करते जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस शताब्दी दिवस धूमधाम से आयोजित की गई। इस दौरान सभी थाना क्षेत्र में मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल बेतिया के पुलिस लाइन में पत्रकार एकादश और पुलिस एकादश के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। टॉस जीतकर पत्रकारों की टीम ने पहले बैटिंग की और पुलिस एकादश के फील्डिंग के दौरान स्वयं पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक अभियान शिव कुमार राव ने फील्डिंग का जिम्मा संभाला। पहली पारी में पत्रकारों की टीम ने 74 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुलिस एकादश की टीम से पुलिस अधीक्षक और अपर समाहर्ता मैदान में उतरे। पत्रकार एकादश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस एकादश की टीम मैच को जीत लिया, जिसके बाद उप विजेता और विजेता टीम को मेडल पहनाकर और उप विजेता और विजेता का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस जिले के अंदर भी हम लोगों के द्वारा अनेक कार्यक्रम किए गए, स्कूलों में जाकर, गांव में जाकर, और आज उसी सप्ताह के समापन के यहाँ बेतिया पुलिस लाइन में मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य था नागरिकों के बीच में और पुलिस के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, और बहुत महत्वपूर्ण वातावरण में ये मैच हुआ है। और कहीं ना कहीं ये देखने में मिला कि जो उद्देश्य था वह सफल हुआ, एक समन्वय आपस में स्थापित होता दिख रहा था, और यही इसका मूल उद्देश्य। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया स्थित आरवी इंटरनेशनल स्कूल सेनवरिया नया टोला में विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टिप्स दिए गए। आरबीएस के टीम 2 के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, एएनएम पूनम कुमारी ने विद्यालय के 65 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को हेल्थ कार्ड दिया गया, जिसमें नाक, कान व आंखों की जांच की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियों, फलों का नियमित सेवन करें और जंक फूड से परहेज करें। इस मौके पर विद्यालय के व्यवस्थापक रीमा भारती, शिक्षक अभिमन्यु सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मुन्ना सिंह, शिक्षिका पूजा कुमारी आदि उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा के राजद प्रखंड कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूर्व विधायक प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 1 मार्च को मोतिहारी में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ रैली को सफल बनाने की चर्चा हुई। बैठक में राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मूसा और प्रखंड युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव ने सभी पंचायत अध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया तथा सभी पंचायत अध्यक्षों को रूट बांटा गया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।